भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जाकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, श्रमिकों समेत सभी वर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। रविवार को जन विश्वास यात्रा भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में महानगर के नौसर, ट्रांसपोर्ट नगर, नारमर, शास्त्री चौक होते हुए कचहरी चौराहा पर पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए यात्रा का स्वागत किया गया। टाउन हॉल पर सभा करते हुए सदर क्षेत्र में भव्य रोड शो और मंदिर दर्शन के बाद रात्रि विश्राम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा सदर सांसद रवि किशन ने टाउन हॉल स्थित गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण करते हुए जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर देश और प्रदेश अग्रसर है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वह मोदी जी के नेतृत्व में 7 सालों में हुआ। जिसके संबंध में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर देश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प में सरकार की जो योजना है वह कार्य कर रही है, उन सभी कार्यों को संवाद के द्वारा जनता को बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेतिहर, मजदूर, किसान सड़कों पर आकर जन विश्वास यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर सांसद बस्ती एवं प्रभारी जन विश्वास यात्रा हरीश त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा एवं सह प्रभारी जयप्रकाश निषाद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक संजीव राय, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, विश्वजीत सिंह आशु सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, लोगों का भरपूर समर्थन इस जन विश्वास यात्रा को मिल रहा है। एक और हमारी जो आज हमने जन विश्वास यात्रा रखी है, नागरिकों के मन को, उनके दिल को जीतने की इसी प्रक्रिया के तहत रखी है। 5 साल पहले हम परिवर्तन यात्रा लेकर के आए थे, आज इन 5 सालों में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देश में, उनके निर्देशन में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस 5 साल के अंदर राजनीति के प्रति लोगों की सोच को बदलने का काम किया है। बहुत सारे वक्ताओं ने ये बातें यहाँ रखी, यह सच है कि एक जमाना था जब यह प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। एक जमाना था जब बिहार से अपराधी भाग करके उत्तर प्रदेश में आकर के शरण लेते थे। आज हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी हुई है कि जैसा पूज्य महाराज जी कहते हैं, या तो अपराधी इस प्रदेश के बाहर जा रहे हैं, या अगर इस प्रदेश में हैं तो जेल के भीतर जा रहे हैं। जो विश्वास सुरक्षा का, विकास का, सहभागिता का, समन्वय का और सबके प्रति समान व्यवहार का इन 5 सालों में हम लोगों ने पैदा किया है,
मंत्री माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी और पंकज चौधरी जी का जोरदार स्वागत करिए आप लोग। माननीय सांसद श्री बीरेंद्र सिंह मस्त जी आपका भी स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय क्षेत्र भारत माता की लोकप्रिय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद तृतीय, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जन विश्वास यात्रा में जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का अपार जन समूह का समर्थन मिल रहा है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं आप सब स्वीकार करता बहनों भाइयों की तरफ से 2022 में 2017 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं इस जन विश्वास यात्रा को लेकर आ रहा है भारत सरकार के मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी और बलिया के क्रांतिकारी धरती से हमारे लोकप्रिय सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी का शिवावतारी गुरु गोरखनाथ की पावन तपोभूमि पर आप सबकी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ल जी इस यात्रा को लेकर आ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य जयप्रकाश निषाद जी हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी और आदरणीय विपिन सिंह जी खड़े हैं पूरा टोला। एक एक आदमी की जरूरत है इस भारत को, एक एक आदमी की जरूरत है इस उत्तर प्रदेश को। तो सब लोग बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे। नाभि से आवाज आई के चाहिए क्योंकि सपा पार्टी को सांप डोलता है जब वो राम का नाम सुनते हैं, बाबा विश्वनाथ का नाम सुनते हैं। तो बोलो भारत माता की वंदे, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। विशाल मंत्री हमने पार्टी के लोग भी हैं, सब लोग हैं और 3 बजे से आप लोग खड़े हो, दोपहर के 3 बजे से खड़े हो। ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूज्य महाराज जी के लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग खड़े हैं। इस जाड़ा के समय 3 बजे से सब खड़ा है, लाइव आप लोगों को देखा जा रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा केंद्र देख रहा है, देश देख रहा है, लाइव आप लोग चल रहे हो। मीडिया भाई भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लाइव दिखा रहा है, प्रिंट मीडिया भी कल लिखेगा कि 3 बजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने 350 पार लिखित ले लिया भैया हो। पूज्य महाराज जी की सरकार दोबारा बनी क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है बाबू। हर बाड़ंग मोदी जी, एजा बाड़ंग योगी जी, बस इतना कह भैया हो। अभी बहुत लोगों को बोलना है, अभी अद्भुत भाषण मिलेगा हमारे पंकज भैया से भी, मत जी से भी, अद्भुत वक्ता लोग हैं, सुनिएगा। बस इतना कह अपने वाणी के विराम की, जो लाए हैं राम को, जो लाए हैं राम को भैया हो, जो लाए हैं राम को हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में भैया हो, यूपी में मैया हो, यूपी में बहनी हो, हम कमल खिलाएंगे। यूपी में भैया हो, हम कमल खिलाएंगे, जो राम को लाए हैं, बोला हमारे साथे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में भैया हो, हम कमल खिलाएंगे, यूपी में भैया हो, हम
जनता की। क्षेत्र के गोरखपुर के मतदाताओं से अपील कर रहे थे, तो हम और पंकज जी देख रहे तो लगा कि सचमुच बाबा गोरखनाथ की ये धरती है। ये 350 सीट मांग रहे थे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट में गोरखपुर के लोग 500 सीट दे रहे। मैं समझ गया कि ये गोरख बाबा की धरती है। ये 350 मांग रहे थे तो 500 दे रहे थे, इसीलिए गोरखपुर के धरती को मैं प्रणाम करने आया हूँ। देखो बाबा के धरती से यह अद्भुत धरती जो कभी अपने प्रतिनिधि के तौर पर देवतुल्य तस्वीर अवैधनाथ को संसद में भेजती है, योगी आदित्यनाथ को संसद में भेजती है, पहले महाराज जी श्री अवैधनाथ जी के पहले महाराज जी वो भी संसद में, दिग्विजयनाथ जी महाराज जी को भी संसद में भेजती, यही गोरखपुर की धरती रवि किशन जी को भी धरती में भेजती। कितने उदार हैं आप लोग, ये मांगते हैं कि बाबू 350 सीट देकर योगी जी को मुख्यमंत्री बना दे रहे थे, ने 500 सीट दे। इसीलिए हम लोग योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस यात्रा में यहाँ आए। अभी हमारे धर्मेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, बापू के मूर्ति पर तस्वीर पर माला चढ़ाने हम लोग जा रहे थे। हम स्वदेशी के कार्यकर्ता, मेरे मन में एक संदेश आया कि बापू मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने आजाद देश के आजादी की लड़ाई, आजादी का आजाद करने के लिए देश को उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, गोरखपुर में उसकी बड़ी भूमिका होती है। एक गाड़ी पर चढ़ के पंकज जी बड़ा आशा लोग होते हैं, एक गाड़ी पर चढ़ के जाते एक मैदान रहे खेत के, तो मैं गाय चरवाहा चरावता सर, देखो गाय गोबर करते। प्रियंका गांधी कोहली, राहुल गांधी से रविशंकर जी, रवि किरण जी, अरे राहुल देखो देखो वो गाय लेटरिन कर रही है, इसके लिए कहाँ से शौचालय बनाया है राजीव जी। उनका देखे को चिट्ठी भेज दल कि जौना गाय के गोबर से तू लेटरिन बदल, वो गाय के गोबर करके गोबर्धन कर। लेकिन हम खुश ऐसे बने कि किसान अब वह लोग बुझाए लगल, पहले किताब में पढ़ते रह लोग किसान, हमने कहते खेत खलिहान से किसान जाने वो लोग किताब में पढ़ते रह। 500 साल पुराना राम जन्मभूमि का विवाद सुलटा करके आज भव्य राम मंदिर बनाने का निर्माण कराने का काम किया, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का हमारा परिभोषा जाहिर होता है। परंतु उन्हें दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिनका सपना था जो गांधी जी का सपात कर रहे थे अभी वीरेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर से अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंचाने का काम किया है, तो हमारे मोदी जी और योगी जी ने गरीब को जो चाहिए था वो सब कुछ देने का काम किया। एक आवश्यक आवश्यकता जिंदगी बिताने के लिए गरीब को एक मकान की आवश्यकता होती है, मकान में शौचालय की आवश्यकता होती है, बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, गरीब व्यक्ति है तो 2-3 रुपया सस्ता राशन मिलना चाहिए, अगर बीमार पड़ता है तो दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर दुर्घटना होती है तो 12 रुपया में इंश्योरेंस होना चाहिए, 330 रुपया में जीवन बीमा कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का किया है। ये जन विश्वास यात्रा भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर देश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने जो आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का संकल्प किया है, और उस संकल्प के दायरे में जो सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं उनको जनता के द्वारा संवाद के द्वारा जनता को बताया जा रहा है।
और जनतंत्र में संवाद, संपर्क और संघर्ष की बड़ी भूमिका होती है। ये संवाद हो रहे हैं, संपर्क हो रहे हैं और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के, स्वाभिमानी प्रदेश बनाने का, स्वावलंबी प्रदेश बनाने का और सबल प्रदेश बनाने का जो सपना मुकाम तक पहुंच रहा है योगी जी के सरकार के नेतृत्व में महाराज जी के द्वारा किए गए कामों से, उसी बातों को संवाद के द्वारा बताया जा रहा है। आप खुद भी देख रहे हैं उत्साह किस तरह का मिला है, सड़कों पर जिस तरह गांव में खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर किसान, किसानों के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके उत्साह में आकर सड़कों पर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री पंकज जी हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे से यात्रा के सब सारे प्रबंधक लोग हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये जयप्रकाश निषाद का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी राजनीतिक दल में काम करती हैं, अखिलेश यादव भी किसी राजनीतिक दल में करते, तो वो रैली निकालने तो हम क्या करें। जन विश्वास यात्रा 19 तारीख से निकली है और देश प्रदेश में छः यात्रा निकली है। 5-6 दिन मुझे भी चलते हो गया है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ता में और जनता में और जो स्वागत और जो उनका उत्साह हमको मिल रहा है, निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 350+ जीतने जा रही है। विपक्षियों की रैली को आप कहां देखते हैं? उनसे हमारा कोई तुलना नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। पिछली बार भी जब हम लोग कहते थे 300+ तो हमारी खिल्ली उड़ाई जाती थी और 300+ करके हम लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से 350+ का लक्ष्य है तो 350+ करेंगे हम। सपा भी दावा कर रहे हैं कि 350 पार। अभी सपा से बात करिए।